जैन साथियों साथियों आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप हाइट बढ़ा सकते हैं। आप मेरे सामने देख रहे हो ये बच्चा, और ये जब एकेडमी में आया था तो इसकी हाइट है वो बहुत कम थी। आज जो आर्मी रैली भर्ती में जो हाइट मेजरमेंट की जाती है वो 170 सेंटीमीटर है, और 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, क्या खाएं और कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। तो बच्चे आपकी क्या हाइट थी पहले? 167.5। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि 167.5 इसकी हाइट थी जब ये एकेडमी में आया था, और आज कितनी है? 171। और लगातार की कौन कौन सी एक्सरसाइज इसने की है और किस तरह से उसकी जो हाइट बढ़ी है वो इसमें आप जरूर देखें, और वीडियो को लास्ट तक देखें। और जिन भाइयों को फोर्स की तैयारी करनी है तो आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जीडी के लिए। और बाकी अगर क्लर्क वगैरह कर रहे हैं और जो स्पोर्ट्स कोटा की जो भर्ती है उनमें अगर आप जाना चाह रहे हैं, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, तो वहां पे 168 जो सेंटीमीटर है वो आपको होनी चाहिए। चलो होल्ड बार अप। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हो कि इस तरह से जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको जो आपका बीम है, जो पुलअप मारने का जो बार है उसके ऊपर आपको इस तरह से लटकना है कंटिन्यूसली, और कम से कम हर रोज आप 30-30 सेकंड करके 5 से 10 बार लटकें, ताकि जो आपकी जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है कंटिन्यू, जो आपकी मसल है प्लस आपकी जो बैकबोन है सभी में धीरे धीरे थोड़ा सा खिंचाव है, और जो आपकी बॉडी वेट है वो आपको उठाना है। इस तरह से आप जो पुलअप बार है उसको होल्ड कर सकते हो। आपकी जो दोनों उंगलियां हैं, दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको आपस में इस तरह से फंसाना है और होल्ड करना है, ताकि जो आपकी होल्डिंग पावर है वो बढ़े और जो आपकी गर्दन है वो इस तरह से आगे झुकी रहे। इस तरह से आपकी पूरी बॉडी में अच्छे से खिंचाव आ पा रहा है। आप देख रहे हो बच्चे की पूरी मसल है वो पेट में चारों तरफ खिंचाव आ रहा है, और इस खिंचाव की वजह से जो आपकी जो जितने भी जॉइंट्स है प्लस आपकी जो हड्डियां हैं वो ग्रोथ करती है। और साथ में हम इसके क्या कर सकते हैं, साथ में वेट का जो है वो लोड ले सकते हैं। जैसे जैसे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद में इस तरह से अपने पैरों में या तो आप एंकल वेट बांध दिए, या फिर इस तरह से कोई टायर का, या फिर जैसे दूसरा बच्चा भी आपके साथ में लटक सकता है। आपकी जो होल्डिंग पावर है वो यहाँ पे इस तरह से होनी चाहिए। इस पोजिशन में बच्चे की जो हाइट है और जो बॉडी का जो पोस्चर है वो ऐसे रहता है और इसमें पूरा खींचा हुआ है। उसके बाद में इस तरह से आपको सपोर्ट लेना है, खुद से नहीं लटकना। अगर आप गिर गए तो गिरने के दौरान आपको गर्दन में चोट आ सकती है। इस तरह से आपको अपने पैरों के अंदर टायर वगैरह कुछ ऐसा फंसा के या फिर अपने साथी को पकड़ाना है कि आपके जो पैर हैं वो होल्ड करके रखे, ताकि आप गिरो नहीं और आपको सपोर्ट मिले। इस तरह से बच्चे की जितनी भी पेट की जो मांसपेशियां हैं उनमें प्लस बॉडी में पूरा खिंचाव आ रहा है। अपर बॉडी है जो पूरी नीचे की तरफ खींच रही है, ताकि जो आपकी धड़ है वो लंबी बढ़े। और रेगुलर आपको ये एक्सरसाइज करनी है, हर रोज आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर हर रोज आप एक्सरसाइज करेंगे तभी आपकी हाइट वो बढ़ पाएगी। साथ में आप दूध पिए प्लस जितने भी प्रोटीन स्रोत हैं प्लस कैल्शियम है वो लें। कैल्शियम लेने से आपकी जो हड्डियों की ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है। जो आपका जो डिप्स बार है, डिप्स बार के ऊपर भी आप इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस तरह से लटक सकते हैं। आपकी जो बॉडी का पूरा कर्व बनेगा, साथ में आपके जो पैरों के जो सपोर्ट है वो बना रहेगा, और पूरा जो हाथ है आपको पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। इस तरह से आपकी जो पूरी बॉडी का जो पोस्चर है वो एक धनुष बाण की तरह बन रहा है, और पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से खिंचाव आ रहा है। ये एक्सरसाइज आपको हर रोज 2 से 4 मिनट आपको होल्ड करना है। क्या है कि खून का जो दौरा है वो दिमाग के अंदर आता है, सर के अंदर आता है, इसलिए आपको थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर आराम से बैठना है, उसके बाद में दोबारा से इस तरह से आपको होल्ड करना है और प्रैक्टिस करनी है। हर रोज प्रैक्टिस करनी है अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो। चल आए। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हो अगर आप रोप वर्कआउट कर रहे हो तो भी आपकी बॉडी के अंदर पूरा खिंचाव आ रहा है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके अनुसार आपके जो बॉडी का वेट है वो खिंचाव कर रहा है। आपके हाथ वगैरह है वो लंबे हो रहे हैं, प्लस जब आप अपर बॉडी का वर्कआउट कर रहे हो उसके लिए भी ये फायदेमंद चीज है। और जिन बच्चों को हाइट बढ़ानी है वो एक जो राजस्थानी भाषा में जिसके बोलते हैं कि जो असाड़िया वगैरह जो रहता है उसको आप दूध में वगैरह पानी वगैरह में पी सकते हो, आपको रेगुलर वो पीना है। हालांकि वो कड़वा रहता है, हो सकता है कि वो आपको
जो टेस्ट है वो अच्छा ना लगे, लेकिन आपको ये चीज जरूर करनी है। और उसके लिए पाउडर भी आता है हार्ट, जो आपकी जो हाइट है वो उसको बढ़ाने के लिए, आपकी जो हड्डियों का जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए। और इस तरह से आप रेगुलर एक्सरसाइज करें ताकि जो आपकी हाइट है वो बढ़े। जय हिंद।